सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वाली वीडियो हम बात करें अपनी फर्स्ट स्केच बुक के बारे में, जो कि ये है। मैंने काफ़ी पहले जो ड्राइंग ड्रॉ की थी, लगभग एक साल हो गया इन ड्राइंग्स को, तो इसके बारे में हम बात करेंगे, पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो इस ड्राइंग बुक के बारे में बात करेंगे, इसमें मैंने कितनी ड्राइंग्स ड्रॉ करी, सारे के बारे में बात करेंगे। तो इसकी मेरे पास चैनल पर कोई वीडियो नहीं है अच्छे से डिटेल में, तो आज हम अपने ओल्ड स्केच देखेंगे और काफ़ी मज़ा आएगा वीडियो को देखने में। और काफ़ी पुरानी ड्राइंग्स है तो अब इतना इंप्रूवमेंट हुआ, आगे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट करना है अभी तक। तो अभी तो बस शुरुआत है, तो इन ड्राइंग्स के बारे में बात करेंगे आज। पुरानी ड्राइंग आपको भी देखने में काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए, अगर आप जो भी मेरे चैनल पर पहले से जुड़े हो उनको पता है मेरी पुरानी ड्राइंग्स कैसी थी और अब कैसी है, तो जो नए आए उनको नहीं पता, तो इस वीडियो में देख लेना मेरी पुरानी ड्राइंग कैसी है। तो चलिए इस वीडियो करते स्टार्ट, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए आइए इस वीडियो करते स्टार्ट। तो गाइज, ये रही मेरी स्केच बुक ड्राइंग बुक, यहाँ पे लिखा हुआ पीछे देख सकते हैं, इसकी प्राइस 20 रुपीज़ है। तो चलिए अब बात करने वाला फर्स्ट ड्राइंग के बारे में, तो बात करने वाले हम रणवीर सिंह के स्केच के बारे में। देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर इनका जो कोट है वो मैंने ड्रॉ करके कुछ इस तरह का, बिल्कुल फ्लैट शेडिंग, यहाँ पर शेडिंग बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी आपको पूरे स्केच में, कुछ इस तरह की मैंने कंप्लीट की इस ड्राइंग को। देख सकते हैं काफ़ी नॉर्मल ड्राइंग है। नेक्स्ट यहाँ पर एक मैं इनकी फोटो, यहाँ पर नॉर्मल है बस, कुछ भी मैंने इसमें पता नहीं कौन है ये, बस ऐसे ही फोटो उठाया और ले लिया और ड्राइंग कर ली। लगभग थोड़ी थोड़ी 15-20 मिनट में से ड्रॉ कर ली, कहीं पर भी शेडिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। 15-20 मिनट में से मैं ड्रॉ कर ली, कुछ इस तरह की लग रही है यहाँ पर, देख सकते हैं। नेक्स्ट है केसरी अक्षय कुमार, यहाँ पर देख सकते हैं पगड़ी और यहाँ पर जो होता है उसको मैंने अच्छे से कलर किया है, लेकिन यहाँ पर स्केचेस दिख रहे हैं, पैचेस दिख रहे हैं और बीएड भी अच्छे से ड्रॉ नहीं की, कुछ इस तरह की मैंने इसको फटाफट कंप्लीट कर लिया। तो देखिए कुछ ऐसी लग रही है अभी तो, और अभी जो ड्राइंग करूँ वो काफ़ी अच्छे होगी। देख सकते हैं ये ड्राइंग, आप गेस कीजिए कौन है यहाँ पर, ये ऋतिक रोशन, देखिए कुछ इस तरह के लग रहे हैं और बिल्कुल भी फेस मैच नहीं कर रहा यार, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ इस तरह की मैंने इस ड्राइंग को कंप्लीट की है, यहाँ पर देख सकते हैं फ्लैट शेडिंग है, कुछ शेडिंग वेडिंग नहीं, लाइट एंड डार्क एरियाज का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट ड्राइंग है अमिताभ बच्चन, बिल्कुल नहीं लग रही, ये भी फर्स्ट टाइम ऐसा ही होता है सभी के साथ, सब ऐसी ही ड्राइंग करते हैं फर्स्ट टाइम है। तो अगर आप भी ऐसी ड्राइंग करते हो तो इंप्रूवमेंट कीजिए, अच्छे ड्राइंग कीजिए रेगुलर, अच्छे से आप में इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो कुछ इस तरह की ड्रॉ होती है फर्स्ट फ्रेम में, देख सकते हैं कुछ ऐसी लग रही है। नेक्स्ट है मेरे भाई की ड्राइंग, उसने आपको ऋषभ को देखा होगा व्लॉग्स में, कुछ इस तरह का लग रहा है। इसकी एक छोटी फोटो थी जब ये छोटा था, उस टाइम की ये फोटो है, तब मैंने इसमें अच्छे से शेडिंग वेडिंग कुछ नहीं की है, बस आउटलाइन से दिख रही है। इसमें थोड़ा उसका फेस मैच करा, मुझे अच्छा लगा इस ड्राइंग को करके, देख सकते कुछ ऐसा लग रहा है, ठीक ठाक लग रहा है। पुरानी ड्राइंग बस ठीक ठाक ही थी, तो कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा होगा आपको ये ड्राइंग। नेक्स्ट है मेरे एक बड़ा भैया की ड्राइंग, मेरे एक बड़े भैया हैं यहाँ पर, उनकी एक ड्राइंग है, उन्होंने कहा था मैं एक ड्राइंग बना दे, तो मैंने भी फटाफट बना दी। और इनमें जो जितने भी ड्राइंग है सारी फ्री हैंड ड्राइंग, एक भी मैंने ग्रिड के बारे में यहाँ पर बताया नहीं, ग्रिड को तब मेरे को पता ही नहीं था ग्रिड होता क्या, ग्रिड मेथड क्या होता है, तब मैंने सारी ड्राइंग फ्री हैंड ड्रॉ की। कुछ इस तरह की लग रही है ये भी, देखिए कुछ ऐसी लग रही है यहाँ पर, एड मुस्टेच आप जल्दी जल्दी फटाफट कम्प्लीट कर दिया। नेक्स्ट है सलमान खान की ड्राइंग, जो कि मैंने न्यूज़पेपर में देख के ड्राइंग की थी, तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है और बिल्कुल भी यहाँ पर पता नहीं चलता है कि कौन लग रहा है। यहाँ पर मैंने साइड में नाम भी लिख रखे सबके, ताकि पता रहे मुझे भी मैंने किसकी ड्राइंग बनाई। अभी जो ड्राइंग की उसमें अच्छे से अगर मैं शेडिंग करूँ तो पता चल जाता है कौन है। नेक्स्ट है मेरे ग्रैंडफादर की ड्राइंग, यहाँ पर देख सकते कुछ ऐसा लग रहा है, उसको मैंने इनको मैंने फोटो से ड्राइंग की, इनकी जो फोटो उससे मैंने देख कर ड्राइंग की है, तो इसमें मैंने कोई डिटेलिंग नहीं की है, बस आउटलाइन से देखने को मिल रही होगी, थोड़ी बहुत यहाँ पर शेडिंग है, हल्की फुल्की शेडिंग, तब इतना पता ही नहीं चलता था शेडिंग के बारे में। कुछ इस तरह से इसको मैंने कंप्लीट किया, देखिए। नेक्स्ट है यहाँ पर विद्युत जामवाल, बिल्कुल भी यहाँ पर फेस मैच नहीं है उनका, लेकिन बस फोटो देखा और बना ली, पता नहीं फेस मैच करा ना करे, लेकिन बनानी है ड्राइंग, कुछ इस तरह की बन रही है। तो देखिए बीएड बस ऐसे लाइंस दे दी है बस, कैसे जैसे हो वैसे भी मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, कुछ ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये बॉबी देओल की ड्राइंग, आश्रम जो उनकी मूवी जो भी था उसमें से आई थी ये ड्राइंग, तो इसको भी मैंने न्यूज़पेपर में देख के ड्राइंग की थी। नेक्स्ट है क्रेटोस, देखिए कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ पर, और अभी का जो क्रेटोस है वो देखिए आप, वो कितना मतलब उसमें मैंने काफ़ी अच्छा शेडिंग दी, टाइम दिया, तो वो अच्छा लग रहा है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। और ये देखिए हाउस की ड्राइंग, नॉर्मल बस ऐसे ही हर कुछ ड्रॉ कर लेता था। यहाँ पर है महाराणा प्रताप की ड्राइंग, ये भी एक नॉर्मल आउटलाइन 10-20 मिनट में। नेक्स्ट है शिव जी की ड्राइंग, महादेव जी की ड्राइंग, और अभी की जो महादेव जी उनमें मैंने लगभग 30-40 घंटे दिए, और इसमें 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, और ये भी एक नॉर्मल हाउस है। और यहाँ पर ये ड्राइंग है बस, यहाँ पर चारकोल का तो पता नहीं, लगभग सिर में मैंने शायद कुछ और यूज़ कर रखा है। यहाँ पर एक और है पबजी की ड्राइंग, देखिए बैटल ग्राउंड प्लेयर ग्राउंड कुछ इस तरह का लग रहा है। यहाँ पर एक क्रिश थ्री, ये थोड़ा बहुत मैच कर रहा है फेस इसका हल्का फुल्का क्रिश थ्री। और यहाँ पर ये किसकी बनाई मुझे भी नहीं पता, बिल्कुल अलग ही लग रहा है यार, पता नहीं चल रहा कौन है क्या है, तो मैंने काफ़ी टाइम बाद देखी। और यहाँ पर है नेक्स्ट जोकर की ड्राइंग, पेंसिल कलर आर्टवर्क 20 से कोई भी ड्राइंग, इसमें से आधे एक घंटे से ज़्यादा का टाइम नहीं दिया। और ये फेस देखिए, एक साइड का तो सही लगा, इस तरह मैंने टैटू क्या कर दिया मुँह पे पता नहीं। और नेक्स्ट है यहाँ पर एक गर्ल की ड्राइंग, इसे भी मैंने शायद न्यूज़पेपर में देख के ड्रॉ किया था, तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है।
और यहाँ पर टाइगर की ड्राइंग बिल्कुल भी अलग ही लग रहा है, बिल्कुल टाइगर पता नहीं चल रहा है कौन है क्या है, तो कुछ ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर हैरी पॉटर की ड्राइंग, ये थोड़ा बहुत मैच आई। इस ड्राइंग को मैंने सौरव जोशी जी की ड्राइंग को देख के बनाया था, उनकी ड्राइंग को देख के मैंने ड्राइंग बनाया, तो कुछ यही था स्केचबुक। देखिए आप, तो गाइज मैंने आपको दिखा दिया मेरा फर्स्ट स्केचबुक टूल, यहाँ पर देख सकते हो ड्राइंग जो कि काफ़ी ओल्डेस्ट ड्राइंग थी मेरी। मैं आपको अच्छे से दिखाया कितना टाइम दिया, सारा कुछ मैं आपको देखने को मिला है इस वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना है मुझे। और अभी की ड्राइंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, पुरानी ड्राइंग आप देख लीजिए और नई ड्राइंग देखिए, कंपेयर कीजिए आप। तो इस स्केचबुक के बारे में सारा कुछ बता दिया डिटेल में। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक देना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, उस रेड वाले बटन को दबा दीजिए। 800 काफ़ी ज़्यादा करीब आ रहे हैं हम धीरे धीरे, अभी तो 700 हुए, 800 करवाओ जल्दी से। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।